श्री मुखवाद पनेओ गरीब नवाज, शस्त्रन के अधीन है राज, राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब चले मले है। दिल्ली सल्तनत का लाल किला और लाल किले का दीवाने आम, दीवाने आम का तख्त और तख्त पर बैठा मुगल शासक औरंगजेब रोज गुरु गोविंद सिंह जी और खालसा पंथ के नाम फतवे जारी किया करता था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसके बाद एक समय ऐसा आया जब लाल किले पर सिख विजय परचम निशान साहब फहराया गया था। ये वो समा था जब मुट्ठी भर खालसा फौज ने महान सिख जरनैल बाबा बघेल सिंह जी की अगुवाई में मुगलों से दिल्ली छीन ली थी और शाही तक खालसा फौज के अधीन आ गया था। लेकिन अगर ये कहानी महज इतनी सी होती तो शायद हम ये वीडियो ना बनाते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के जिस तख्त के लिए वहशी मुगल अपने माँ बाप भाई बहनों तक का कत्ल कर दिया करते थे, उसी दिल्ली के तख्त को खालसा फौज ने जीत कर बड़े शान से ठुकरा दिया था। ये कहानी है महान सिख जरनैल बाबा बघेल सिंह जी की, द एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरी ऑफ हाउ एंड व्हेन खालसा कॉन्कर्ड दिल्ली। ये गाथा है लेट 18th सेंचुरी की, सन 1760 से 1785 के बीच, जब हमारा देश छोटी छोटी सल्तनतों में बटा हुआ था। पॉलिटिकली सबसे अहम थी दिल्ली की सल्तनत और उस समय पिछले करीब 550 सालों से दिल्ली पर दराए खैबर से आए विदेशी लुटेरों की हुकूमत थी। इनमें से मुगलों ने सबसे लंबे समय तक दिल्ली पर राज किया और इसीलिए उस समय दिल्ली को मुगल दिल्ली भी कहा जाता था। इसी दौरान उत्तरी भारत यानी पंजाब रीजन में खालसा फौज अपने पैर जमा रही थी। खालसा फौज को 12 मुख्य सॉवरन स्टेट्स यानी मिसल में बांटा गया था, जिनकी स्थापना नंदेड़ साहब जाने से पहले खुद दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। हर मिसल का अपना एक अलॉटेड एरिया था और एक मिसलदार यानी सेनापति। ये 12 की 12 मिसल सरदार जसा सिंह अलीवाले की अगुवाई में दल खालसा के अधीन आती थी। शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह भी इनमें से एक मिसल शुकर चकिया मिसल से थे और बाबा बघेल सिंह इनमें से एक मिसल करूड़ा सिंघिया मिसल के मिसलदार थे। 18वीं शताब्दी का अंत आते आते मुगलिया सल्तनत की पकड़ हिंदुस्तान पर कमजोर पड़ने लगी और दूसरी तरफ खालसा फौज एक एक कर पंजाब रीजन की टेरिटरीज को सिख मिसल में शामिल करने लगी। बाबा बघेल सिंह की अगुवाई में करूड़ा सिंघिया मिसल ने चंडीगढ़, अंबाला, करनाल, हिसार और रोहतक को अपनी मिसल में शामिल किया और जलंधर दुआब के कई इलाकों पर कब्जा किया। इसी के साथ बाबा बघेल सिंह ने होशियारपुर के नज़दीक अपनी मिसल का हेडक्वार्टर भी इस्टेब्लिश किया। सन 1764 में सरदार जसा सिंह आलूवाले की अगुवाई में 40,000 की खालसा फौज ने सरन पर चढ़ाई कर दी। आलूवाले मिसल और अहमद शाह अब्दाली के दुरानी फौज में जमकर मुकाबला हुआ, जिसमें सरन के गवर्नर जैन खान सरहंदी समेत कई बड़े अफगानी जनरल की मौत हो गई। सरन की इस ऐतिहासिक जीत से खालसा राज की स्थापना का आगाज हुआ। इसके महज कुछ ही दिनों बाद बाबा बघेल सिंह ने अपनी मिसल के साथ दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। आउटर दिल्ली जैसे अवध और मेरठ समेत कई इलाकों को बाबा बघेल सिंह ने जल्दी जीत लिया। अब यहाँ के नवाब करूड़ा सिंघिया मिसल की सरप्रस्ती में काम करने लगे। फरवरी 1764 में बाबा बघेल सिंह और दूसरे सिख जनरलों ने यमुना नदी पार की और रोहिलिया सल्तनत में आने वाले सहारनपुर पर कब्जा कर लिया। उस समय के रोहिलिया चीफ नजीबुद्दौला और उसके बेटे जबीता खान ने बाबा बघेल सिंह से समझौता करने की गुजारिश की, जिसके तहत रोहिलियाज ने बाबा बघेल सिंह की मिसल को 11,00,000 रुपये और साथ मिलकर शाही मुगल फौज से लड़ने की पेशकश की। मार्च 1776 में बाबा बघेल सिंह की अगुवाई में खालसा फौज और रोहिलियाज ने मिलकर मुजफ्फरनगर के पास शाह आलम टू की शाही फौज को बुरी तरह हराया। बाबा बघेल सिंह की बेअंत बहादुरी और शानदार पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सूझबूझ के चलते जल्द ही यमुना गंगा द्वाब का लगभग सारा एरिया उनकी मिसल की अगुवाई में चलने लगा। बात जब बाबा बघेल सिंह जी की हो तो पटियाला में स्थित कन्नौर की लड़ाई को याद करना लाजमी है। सन 1778 में शाह आलम टू ने करीब 1,00,000 की मुगलिया फौज को पूरे लाम लश्कर के साथ खालसा फौज से लड़ने भेजा, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार फिर उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इतनी बड़ी आर्मी होने के बावजूद शाही मुगलिया फौज ने बाबा बघेल सिंह और उनकी फौज के सामने घुटने टेक दिए और सरेंडर कर दिया।
इतिहास में दर्ज है कि बाबा बघेल सिंह और उनकी 30,000 की खालसा फौज ने कई दिनों तक दिल्ली के बाहरी जंगलों में कैंप लगाए और लाल किले पर हमले की तैयारी की। इस जगह को आज हम 30,000 के नाम से जानते हैं। जब शाह आलम टू को खालसा फौज के दिल्ली हमले के बारे पता चला तो उसने किले के सारे दरवाजे बंद करा दिए ताकि दिल्ली से खालसा फौज तक कोई रसद ना पहुंच सके। 11 मार्च 1783 को फाइनली खालसा फौज ने लाल किले की एक दीवार में छेद किया और वहां से अंदर दाखिल हो गए। इस जगह को आज हम मोरी गेट के नाम से जानते हैं। लाल किले पर कब्जा होता देख शाह आलम टू एक गुप्त रास्ते के जरिए वहां से भाग खड़ा हुआ और ये मुगल दिल्ली के खात्मे की शुरुआत थी। दिल्ली फतह करने के बाद खालसा फौज ने लाल किले से मुगलई झंडे को उतार दिया और वहां सिख विजय परचम निशान साहिब फहरा दिया गया। इतिहास में दर्ज है कि दीवाने खास के शाही तख्त के पास खड़े होकर बाबा बघेल सिंह जी ने जस्सा सिंह आलूवालिया जी से दिल्ली के तख्त पर बैठने की दरख्वास्त की, लेकिन उन्होंने नम्रतापूर्वक इस बात से इनकार कर दिया। जस्सा सिंह आलूवालिया जी ने बड़े भावुक होकर कहा कि वो खालसा फौज के महज एक सिपाही हैं और क्योंकि ये जीत खालसा की है तो गद्दी पर हक सिर्फ और सिर्फ गुरु साहिब का ही है। ये दिल्ली के इतिहास में पहली बार था कि किसी ने दिल्ली के तख्त को जीत कर भी उस पर बैठने से इनकार कर दिया हो। दिल्ली फतेह के कुछ दिन बाद शाह आलम टू ने बाबा बघेल सिंह जी के पास समझौते का एक प्रस्ताव भेजा। बाबा बघेल सिंह जी ने अपनी सारी शर्तें मनवाते हुए शाह आलम टू को एक बार फिर एक कठपुतली की तरह दिल्ली के तख्त पर बैठने की इजाज़त दी। इस समझौते की शर्तों के तहत ये तय हुआ कि दिल्ली के शाही खजाने में आने वाले टोटल टैक्स का 37.5% हिस्सा करूर सिंह या मिसल को जाएगा और ये भी तय हुआ कि दिल्ली में सिख ऐतिहासिक जगहों पर गुरुद्वारे बनाने दिए जाएंगे। आने वाले अगले कुछ महीनों तक बाबा बघेल सिंह अपने 4,000 सैनिकों के साथ दिल्ली की सब्जी मंडी में रहे और चांदनी चौक में उनका हेडक्वार्टर बना। बाबा बघेल सिंह के नेतृत्व में दिल्ली में 8 ऐतिहासिक बड़े गुरुद्वारों का निर्माण किया गया, जिसमें गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब, गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब, गुरुद्वारा माता सुंदरी, गुरुद्वारा श्री बाला साहिब, गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, गुरुद्वारा मोतीबाग साहिब, गुरुद्वारा मजनू का टीला और गुरुद्वारा तेलीवाड़ा साहिब शामिल थे। बाबा बघेल सिंह की इस शानदार जीत की बदौलत पूरी दुनिया में खालसा फौज का रुतबा दुगना हो गया। महज चंद सालों बाद खालसा राज की स्थापना की गई, जिसकी बेअंत वीर गाथाएं इतिहास में दर्ज हैं। कई बड़े बुद्धिजीवियों ने और इतिहासकारों ने खालसा फौज का दिल्ली को जीतकर छोड़ देना एक बड़ी गलती बताया, पर असल में ये फैसला क्यों लिया गया या क्यों लेना पड़ा, इस पर हम जल्दी संक्षेप में एक अलग वीडियो बनाकर आप तक लेके आएंगे। और अंत में मुझे आप सबका शुक्रिया अदा करना है, आपके प्यार और आपकी सपोर्ट के बदौलत हरी सिंह नलवा जी की लाइफ पर बनाई हुई हमारी वीडियो 4,00,000 व्यूज क्रॉस कर चुकी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आई बटन दबाएं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हम 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं, इसके लिए भी आप सबका शुक्रिया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं IPS कोहली, जल्द लौटूंगा एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आप देख रहे हैं साडा हक़।